नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिखा सरोज सिंह और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं, जहां कटिहार में कोढ़ा थाना क्षेत्र के खेरिसा बस्ती में पुलिस टीम पर हमला हुआ है। इस हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। दरअसल देर रात गांव के एक युवक की मौत हो गई थी और इसके बाद ग्रामीणों ने गांव के 3 लोगों को जादू टोना करने के आरोप में बंधक बना लिया, जिसकी सूचना पर पुलिस पहुंची थी और पुलिस के पहुंचते ही ग्रामीण उग्र हो गए और पुलिस के साथ हाथापाई शुरू कर दी। ग्रामीणों ने डीएसपी को भी बंधक बना लिया है। इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी रितेश जुड़ गए हैं। देखिए रितेश, कोढ़ा थाना क्षेत्र के खेरिया बस्ती में ये घटना हुई है, जहां पुलिस पर ही हमला किया गया है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए सीखा, ये कोढ़ा थाना क्षेत्र के भरवाड़ा पंचायत के वार्ड नंबर 7 की घटना है, जहां बीते दिनों गांव में जो है ताश खेलने के दौरान जो है दो युवकों में मारपीट हुई थी। उसके बाद एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया था, जिसके बाद एक सप्ताह बाद उसकी जो इलाज के दौरान मौत हो जाती है। इस मामले में गांव के जो लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, वो 3 लोगों के जो है जादू टोना कर मारने का आरोप लगा रहे हैं। उन्हें बंधक बना लिया था, उन्हें मैला भी पिलाया गया। तो कहीं ना कहीं ये जो ग्रामीण हैं, वो 3 युवकों को जो है जादू टोना करके मारने का आरोप लगा रहे हैं। इसी बंधक बने युवकों को छुड़ाने के लिए पुलिस पहुंची थी और ग्रामीण काफी उग्र हो गए, इतने उग्र हो गए उन्होंने पुलिस के साथ रोड़ेबाजी की, पत्थर चलाई, उनकी गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया, पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, और जिसमें कि लगभग 6 पुलिसकर्मी, जो आधा दर्जन पुलिसकर्मी है, वो चोटिल हुए। फिलहाल जो है बंधक को जो है पुलिस किसी तरह से छुड़ा कर वहां से हटा चुकी है, और जो सब हैं, जो सब जिनकी मौत हुई थी, जिनपे जिनके ग्रामीण आरोप लगा रहे थे इनकी जादू टोना करके हत्या की गई है, तो उनके सबको पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और सबको पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है और बंधक को पुलिस वहां से छुड़ा चुकी है। जी बिल्कुल रितेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।